हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो पर, जिसका टाइटल है ब्लॉकबस्टर। तो लेट्स चेक इट आउट। कुक स्टूडियो सीजन 15। ब्लॉकबस्टर फारिश शफी को बहुत टाइम के बाद सुनना वाला, एक्साइटेड हूँ। आके लात मारेगा इस पे। शहर विच चर्चे ने कुल साढ़े खर्चे ने जानता जहाने सब नू सलाम है मुंडे सारे अथरे मैं अभी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ आकाश, तूने नोटिस किया? एक भी कट नहीं है इसमें अभी तक, एक ही सिंगल सीन चल रहा है अभी तक। क्या शूट किया है? बाप रे, इसमें कितना एफर्ट लगा रहेगा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक आई डोंट थिंक मैंने कोई म्यूजिक वीडियो में ऐसा देख, अभी आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं पता नहीं, अभी शायद मैं प्ले करूंगा तो इमीडिएटली एक कट रहेगा और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बेवकूफ की तरह दिखूंगा, लेकिन अभी तक तो मैंने एक भी कट नोटिस नहीं किया। काफी एनर्जेटिक सॉन्ग है। हाई एनर्जी कख भी कोई फिकरा नहीं ओ बल्ले बल्ले शाबा होए ना वर्ल्ड वाइड चलदा है साटा होए ओ गुणता प्यारा होए ओ जचदा बाड़ा होए ओ बीट हिट कर गई है अज किड्डे विच सब नु नचाणा होए सानू लोकी कहंदे सुप कूल साडा वक्करा मिजाज नाले वक्कर असूल ओ दिलां उत्ते करदे रब दी अमेरिका दी कीता नहीं गरूर ओ हर बारी करदे आ ट्रेंड सेट नाल देख कड़ा उच्च चलिया दा क्रू सेटअप ऐसे मन बहुत ही क्रिएटिव कोरियोग्राफी। इस पे अगर पीछे नाचने में ज्यादा तो मजा आ जाएगा। मुझे नाचना आता तो मैं पक्का नाचना रहता हूँ। देख रहा कोई कट नहीं है। होता है ओ छोड़ फिकरा नु पीछे सुनो मेरे फिकरों में लिखे हुए कैसे बैड वाइब में से दैट्स राइट लास्ट नाइट वाज द बेस्ट मगर दिस नाइट बेटर एक्ट राइट नहीं तो यू बी इनएडमिसिबल लिसन अप आई टर्न द म्यूजिक अप बज पाणी सी खप मारदे हो लारे आयो नचने आ सारे गबरू जवान अगर म्यूजिक नु वूफरा दे बाप सुन दे नहीं अज एना दिया कंप लेना जे तू साडे नाल बैणा रिदम ते 24 घंटे साडे नाल रहना है ते 12 साउंड सुन के तू छेती जान लेना लव मौका नहीं ओ जान देना चंडीगढ़ हुन पहुंचे असी मानसेरा आज नचिए वे जिवें साडे सारेयां दी इकट्ठे साल गेरा बेटा बड्डे नहीं है अज मेरी सज के हां आए विक फेरनी मेरे यार फेरनी गिफ्ट मोहब्बतां दे लाया तैयारियां नाल आया क्लियरली नीयतां दे सुतरे आ सारे यो ट्रूली सिंसियरली एंड आई लव इट लव इट टेंशन कदे बेरली शोरली केयरफ्री इक दूजे दे सहारे आपा सारे ते मुबारक हो नाउ वी नो व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट कुनने सारे बुए पावे रोजाना आओ माय लव तू समहो मेरे चिस मारिया मैं तेरे ले यारिया वे मर जानिया मस्त है यार बहुत बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे भले यारिया वे मर जानिया इससे ज्यादा कूल मैंने शायद कोई म्यूजिक वीडियो नहीं देखा है। जो
पर दे हैव आउटडन देमसेल्फ्स। ओके इसको फिर ड्रोन शॉट आई गेस ये क्रेन से कुछ किया हो सकता है। क्या शूट किया है, अमेजिंग है सच में, बहुत बहुत इम्प्रेसिव। आगे कुछ नहीं है। ओके बहुत मेहनत किया इस पर। अगर मल्टीपल शूट्स लगे होंगे इमेजिन कर रीटेक करने के लिए कितना कितना मेहनत, सबको वापस परफेक्टली करना है। और इमेजिन करके देखो आप वो बेवकूफ हो जिसने गलती कर दी, कितना खराब लगेगा। और वो भी कोई बैकग्राउंड डांसर है जिसने गलती कर दी। बट यहाँ पीछे जो डांस कर रहे थे उनके डांस करने से ऐसा लग रहा था कि इसमें जो आगे के हैं डांसर्स वही उनको ही ठीक से वो करने बोला है, और पीछे के जो जैसे उनको नाचो जब वो वाइब वाइब हाँ वाइब के हिसाब से मतलब। और पंजाबी सॉन्ग था ना, दिस वाज सुपर कूल। और नहीं, बट बहुत ही अभी मुझे नहीं पता, मैं शायद ये भी हो सकता है कुछ क्रिएटिव वेज। जैसे मुझे एक सीन में ऐसा लगा वो बस के अंदर जाता है ना, आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है वो एक शॉट में हुआ है। शायद उसको इतना क्रिएटिव वे में उन्होंने हाइड किया वो कट को, राइट, वो अंधेरे से शिफ्ट होके जाते हो अंदर के सीन में। आई गेस सॉन्ग से ज्यादा हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इतना कूल था ये, और जो मेहनत लगा होगा इसके पीछे, बात तो सही है, माइंड ब्लोन। और सॉन्ग भी काफी हाई एनर्जी, इस पे नाचने में मजा आता। आकाश तो नाच भी लेगा, लेकिन मेरा डांसिंग स्किल्स बहुत ही क्वेश्चनेबल है, और जब भी मैंने थोड़ा बहुत भी दिखाया कैमरा के सामने, सज्जन ने बोला बस राज नहीं चाहिए, ये पूरा मूड ही खराब, ये यहाँ तक ही था ऐसे लोग अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। इसके लिए मैं अभी डांस नहीं कर रहा था, लेकिन सिर हिला रहा था। बट ये सॉन्ग वाइब तो है, और म्यूजिक वीडियो ने पूरा इम्प्रेस कर दिया। और कितना वेराइटी था, होता है हाई एनर्जी सॉन्ग बोलना, उसको इतना इनफ क्रेडिट नहीं दे रहा जितना मिलना चाहिए, right. क्योंकि एक एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को समझ में नहीं आ रहे। बात तो सही है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। आकाश थे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो पंजाबी सॉन्ग था, और मतलब थोड़ा सिर के ऊपर क्योंकि स्लो होता है ना, स्लो सॉन्ग में फिर भी पंजाबी समझ में आता है। ये थोड़ा हाई एनर्जी सॉन्ग था, तो मोस्टली सब सिर के ऊपर से जा रहा था। तो मीनिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि वाइब ज़बरदस्त था, एंड बहुत ही डांस करने के लिए परफेक्ट, एंड बहुत वैरायटी था अलग अलग। वो जो घरवी ग्रुप, वो एक्चुअली घरवी भी नहीं, घरवी ग्रुप था आई गेस, घरवी घर कुछ भी हो सकता है। तो बट सही था, और ये सॉन्ग सुनने का मजा आया, सिंगर्स भी, और ये जो सेटअप था प्लस वो छोटी लड़की, हाँ बोल नहीं उसका क्यूटनेस भी एक हाँ, वो बहुत मस्त था कि वो बीच में से एकदम, बट सीरियसली सेटअप बहुत अच्छा था। और एक उसमें शूट किया है तो मतलब कट कहीं नजर, क्या पता कट हो गए भी, तो ऐसा एडिटिंग भी ऐसा किया होगा कि दो तीन कट्स ही हो सकता है। लेकिन मैं एक्चुअली क्या, मैंने जब से नोटिस किया ना, मैं सिर्फ कट्स की तरफ ही ध्यान दे रहा था कि कट किया है कि नहीं होता। और या इसको और एक बार और दो बार देखना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करता है उतना, एक्चुअली इतना उन्होंने मेहनत किया तो। और इसको और इसको हो सके उतना शेयर करना चाहिए, मतलब और जितना लोग देखे उतना अच्छा, क्योंकि सीरियसली यार माइंड ब्लोइंग। देखो हमें तो अच्छा लगा, अब सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग पसंद होता है, बट मज़ा आया। और कोक स्टूडियो पाकिस्तान, ठीक है साउथ एशिया में तो पॉपुलर है, हाँ हाँ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल इवन, तो काफ़ी कंट्रीज में देखे जाते हैं, लेकिन आई विश कि वेस्टर्न ऑडियंसिस में भी थोड़ा ज़्यादा फैले, क्योंकि जो क्वालिटी इन लोग, जो आउटपुट इन लोग लेके आ रहे हैं, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। एंड लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता सॉन्ग एंजॉय करने में। देखो अभी ये हमें भी उतना कुछ, इवन एज इंडियंस हम लोग को समझ में नहीं आया म्यूजिक, थोड़े वर्ड समझ में आ रहे थे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि ये सॉन्ग का मीनिंग समझ गए। तो हम लोग को नहीं समझ रहा, फिर भी हम लोग इसको एंजॉय कर पाए, तो आई थिंक जो फॉरेन ऑडियंस है और सबटाइटल्स पे अगर फोकस किया वेल एंड गुड, तो हर कोई मीनिंग भी समझ सकता है एंड एंजॉय भी कर सकता है। बट सबटाइटल्स आई गेस हो गया इसमें, हाँ हम लोग जो वीडियो देख रहे हो शायद नहीं है सबटाइटल, सब हम लोग जो देख रहे हैं शायद क्या, हम लोग ने एक्चुअली इसको डाउनलोड कर दिया, हम लोग को यूट्यूब से देखना चाहिए था, वेबसाइट से। जो लास्ट सॉन्ग हम लोग ने देखा था उसमें हम लोग ने सबटाइटल्स ऑन रखा था। बट सीरियसली ये गाना बहुत ही अच्छा था, और कोक स्टूडियो पाकिस्तान तो मतलब बहुत अच्छा है। तो या आई थिंक या वीडियो सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने की वजह से आज थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा था, एंड या बट
ऑल क्रेडिट गोज़ टू कोक स्टूडियो, लिंक जो ओरिजिनल लिंक है वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर अभी तक उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है आज या कल। तो या होपफुली आप लोग को हमारा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत सारा हो सके उतना कुछ भी फेंक के मार दो या कुछ भी उठा के, या अपने घर में बच्चे होंगे तो उनकी नाक वाक से भी सब्सक्राइब कर देना, बट कर देना। तो मिलते हैं ये वीडियो लेकर, बाय बाय।